नहीं होती है। इस दशा में जो सूचना हम निकलवाना चाहते हैं वो निकल नहीं पाएगी, तो इसमें हमारा सूचना का अधिकार त्रस्त होता है। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे किसी फाइल के बारे में कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आवेदन करता है, अधिकारी को चाहिए कि उस फाइल को अपने कमांड में ले ले और उसमें कोई फेरबदल न होने दे। और यदि सूचना आयोग से चल जाने की बात आती है तो कितना फाइन होगा, कैसे होगा, इन पर थोड़ा डिस्कस करें। इस विषय पर गांधी सर प्रकाश डालें कृपया। क्या प्रश्न में मतलब क्या फाइल में पहली बात तो फेर बदल वो कर सकते नहीं है ऐसे, और कर भी सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी क्या इसका डीलिंग कैसे की? ये कई बार होता है। पहले तो हर फाइल के पेज नंबर होने चाहिए, और कम से कम इंस्पेक्शन में जाते वक्त ये देखना चाहिए कि हर फाइल में पेज नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इंस्पेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है, इंस्पेक्शन रिफ्यूज करना चाहिए और लिखना चाहिए कि पेज नंबर नहीं है। मेरे हिसाब से कमीशन को ये सीरियसली, ये बहुत सीरियस मैटर है पेज नंबरिंग ना होना फाइलों पे। उसके अलावा तो फिर देखिए पूरी सरकार और सब महकमे को बदलना ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये हम लोग खटते रहेंगे, धीरे धीरे कुछ बदलाव आएगा और राहुल सिंह जी जैसे लोग होंगे तब मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट बदलाव आएगा। बट पेज नंबरिंग होना बहुत जरूरी करना चाहिए, इसके बिना फाइल का इंस्पेक्शन कोई मतलब नहीं है। और फिर पेज नंबरिंग के बाद में जो अथॉरिटी पेज नंबरिंग को वेरीफाई करती है उसका फ्रंट पेज पर सिग्नेचर और सर्टिफिकेट होना चाहिए कि फाइल के अंदर इतना पेज मैंने इस तारीख को काउंट करा के सर्टिफाई किया है। वो सर्टिफिकेशन का आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हर फाइल का वो तो रोज या हर हफ्ते बदलता रहेगा। जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि भाई इतने पेज नंबर हैं इसमें। पर एक पेज जैसे 57 नंबर का पेज है और 57 नंबर के पेज पर कोई बड़ी आवश्यक जानकारी है और उसके बाद वो 57 नंबर के पेज पर वो बाबू को दूसरा पेज लगा देता है और उस पर कोई साइन नहीं होता, तो पर कैसे हम सिद्ध करेंगे जो जानकारी हम चाहते थे वो 57 नंबर पेज पर हमें बताई गई थी, उसमें क्या कर पाएंगे? इसका मेरे पास कोई हल तुरंत मुझे नहीं सूझ रहा है, शायद राहुल सिंह जी आत्मदीप साहब को पता हो शायद। किशन प्रसाद साहब एक ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हैं और जो कि संभव भी है कि जो पेज नंबर कर रहा है वो बाबू भी मिल जाए, जो अधिकारी जिसके इसमें फाइल है वो भी मिल जाए, पूरा की पूरा डिपार्टमेंट ही अगर आपको एक झूठ परोसने में लग जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ठीक है तो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मंथन जरूरी है। बात ये है, देखिए किशन परमार जी, कि अगर एक तो आप इस विषय को समझ लीजिए कि सरकारी रिकॉर्ड में जो भी है सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है उसी को तथ्य माना जाएगा। अगर उन्होंने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है कि आम का नहीं होता, आम के पेड़ पर अगर उन्होंने रिकॉर्ड पे लिख दिया आम के पेड़ पर करेले उगते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ आम के पेड़ पे करेले उगते हैं। ये विषय फिर आपका है कि आप उसको ले आकर के हाई कोर्ट में जाइए और उनके जो भी अधिकारी हैं उनके समक्ष रखिए और उसके खिलाफ एक्शन करवाइए। जो भी तथ्य है वो तथ्य कहने का मतलब समझिए वो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। और मेरी क्वेरी ये है सर कि जैसे मुझे पता चला कि 57 नंबर पेज पर ये सूचना उपलब्ध है और वो एक तारीख तक उपलब्ध थी, लेकिन जैसे ही मेरी आरटी आई गई और उनको पता चला कि ये इंस्पेक्शन करना चाहते हैं उन्होंने फिर दूसरा पेज लगा दिया और 57 नंबर पेज भी मेंशन कर दिया उस पे, वापस उसी बाबू ने 57 नंबर का पेज मेंशन कर दिया, फिर बदल दिया। जी साहब ये दिक्कत है। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। या तो उसमें अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये इस तरह का कोई कुछ करेगा तो आप अपना उस समय आप जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एक बार अगर कोशिश करें, आत्मदीप जी ने भी सजेस्ट किया था कि उस समय जब अगर कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसका फोटो खींच लिया जाए,
और उनको पर मेरा सुझाव यह था यदि एप्लीकेशन बनाने के बाद मैं आपको बता दूं तरीका, किशन परमार जी लेट मी स्पीक, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं क्या करना है। तीसरा पुराना एज ओल्ड मेथड है, आप जब पत्र बनाते हैं कि मुझे 57 नंबर की जानकारी दी जाए तो आप ये भी लिखिए मुझे 57 नंबर की जानकारी दी जाए जिसमें जिस पन्ने पर ये लिखा हुआ है, लिख दीजिए ना एप्लीकेशन और उस पर काउंटर साइन होंगे। अगर वो साइन कर रहा है तो ये प्रूफ बन गया कि उस पर क्या क्या दर्ज है, और उसके बाद अगर वो जानकारी उसने पेज बदल दिया है तो वो झूठ पकड़ा जाएगा। एक बात और है कि अगर शिकायतकर्ता के पास कोई इस बारे में पुख्ता जानकारी है कि पेज बदला गया है तो धारा 18 के तहत सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं और आयोग उस पर जांच करा सकता है। ठीक है, ये हमारे हमारे बीच में ओम राम बंजारा ने एक प्रश्न पूछा है, हमें लगता है कि जो हम डिस्कशन में कर रहे थे देवेंद्र गवाल जी ने मेंशन किया था वो 1.5 करोड़ वाला जो मामला था, तो इन्होंने अपना प्रश्न लिखा है। श्रीमान जी मेरे उप पंजीयक कार्यालय रोहट पाली राजस्थान में RTI है, क्या ओम राम बंजारा है जी? बंजारा जी आप अपनी बात, हाँ बोलिए बोलिए, नमस्ते करिए, हम आपके प्रश्न को नहीं पढ़ रहे। हाँ जी जी नमस्ते सर। सर मैंने एक उपपंजे कार्यालय में सर एक आवेदन किया था सर जी। सर आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलते जाइए आप, बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल हम सब सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए बीच में। उपपंजे कार्यालय में सर मैंने एक आवेदन किया था सर, जिसमें से मेरे को सर जवाब मिला कि 1,14,55,830 रुपए जमा करवा कर आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं राजकोष में, ये राशि जमा कराने के लिए। सर मैं BPL से हूँ, मेरे को उन्होंने पेज ज्यादा थे तो निरीक्षण का भी तो लिख सकते थे सर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिख करके डायरेक्ट सर मेरे से 1,14,55,830 रुपए जमा करवा के आप राजकोष में जमा करवा के ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं सर, ऐसा लिखा है सर। अब इसमें सर क्या करूं सर, कुछ मेरे को तो ज्यादा है नहीं सर RTI के बारे में जानकारी सर, और मैं BPL से भी, और उल्टी सर मेरे को तो टेंशन हो गई सर। आपको टेंशन हो गई और साथ में हमारे जो माननीय सूचना आयोग तो करना है उनको भी टेंशन हो गई होगी। 1,14,00,000 रुपए सर मैं मेरे पूरे मेरे परिवार सहित हम गिरवी बैठ जाए तो भी नहीं आएगा सर इतने पैसे तो सर। जानकारी क्या मांगी इसमें तो ये देखना पड़ेगा सर, जानकारी सर मैंने जान सर मैंने सर एक मिनट, अन्य लोग कृपया अपने को म्यूट करके रखें, गैलेक्सी J7 मैक्स से आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्कशन आप पूरा। हां ओम राम सर मैंने जानकारी मांगी थी पूरा सर, मेरा वो आवेदन पढ़ के सुना दूं सर? हाँ बिल्कुल, आप शॉर्ट में बता दें मतलब ज्यादा आवेदन की। एक तो सर मैंने मांगा था उपपंजीकारी रोड में मौका निरीक्षण की जिनके द्वारा किया जा रहा है उनका नाम पदनाम इस कार्य में 10 जनवरी 2013 आज दिन मौका निरीक्षण जिसने किया उनकी पत्रावली, एक मौका निरीक्षण करते हैं सर जो आ रही उसमें सर मनोनीत किया जाता है सर उस ऑफिस में, तो उन्होंने वो ये तो ये सूचना मौका निरीक्षण की मांगी थी सर, जो 25 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री होती है ना कर्ची जमीन सर, वो पंजीयन से पूर्व सर मौका निरीक्षण करना होता है सर। एक पर्टिकुलर जगह का मांगा था या किसी गांव का मांगा था या किसी नहीं, मैंने पूरा ऑफिस करे कर्ची संबंधित, नहीं राज्य का नहीं सर, उपपंजे कार्यालय का मांगा था सर। उपपंजे कार्यालय मतलब कहाँ का था ये सर? रोड पड़ता है सर, रोहट पाली जिले में है सर, रोहट पाली जिले में रोहट जी। अच्छा। और उसके अलावा सर मैंने मांगा था संपत्तियों के पंजीयन जिसमें संपत्ति की किस्त जैसे कृषि आवासीय वाणिज्य को अलग अलग विवरण सहित मूल्य व क्रेता विक्रेता व दान पत्र इकरारनामा लीज डीड व पटों का पंजीयन की समस्त लिस्ट, इसमें सर लिस्ट भी मांगी। अच्छा, और संबंधित अच्छा, एक बात आप और भी स्पष्ट करिए, आपने ये जानकारी किस वर्ष से किस वर्ष तक मांगी थी? सर मैंने 13 से लेकर के सर आज दिन तक सर मांगी थी 2013 से 7 साल। जी 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 जी, इसमें सर मैंने लिस्ट भी मांगी थी और पत्रावली भी मांगी, ना तो मेरे को लिस्ट दी ना पत्रावली दी सर।
अच्छा दूसरा प्रश्न आपका बहुत बृहद था, ये स्पष्ट है। नहीं ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मतलब आप आरटीआई लगाते हैं, अच्छी बात है जी, इस आरटीआई से क्या हासिल करना चाहते थे? इसमें सर मतलब ये काम जो जो मैंने से मेरे पास परिपत्र पड़े 500 परिपत्र मैंने निकलवाए सर, पूरे पंजीयन से संबंधित जी। उस पंजीयन में पंजीयन वो परिपत्र को पट पट के लगवाए, परिपत्र में ये नियम है, इन नियम के नियमों के तहत इनको ये काम करना चाहिए, तो मैंने वो सब चीजें मांगी कि ये पालना करते हैं या नहीं करते है सर। वो तो आप एक एक करके देख सकते हो ना, एक एक पर्टिकुलर इससे मतलब एक एक केस में भी जाके देख सकते हैं। अभी मैंने ये सात आठ आठ दो आवेदन किए थे, सात आठ आठ बिंदु से सर। सर इसमें सर जवाब क्या आ रहा है सर, राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 49 व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार पंजीयन नियम 1908 के प्रावधानों के पुस्तक संख्या 3 व 4 में पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियां साए जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर कार्यालय अवधि में वांछित दस्तावेज की प्रति जारी की सकती। सर मैंने तो आवेदन आरटीए के तहत किया था और उन्होंने सूचना देने का हवाला दिया है सर, राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के अंतर्गत सर ये आप शुल्क जमा करवा के प्राप्त कर सकते हैं सर। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं जी जी सर, राजस्व से संबंधित जो है जी जानकारी होती है, अगर किसी कार्यालय के पूर्व के नियम है जी, और वो नियम अगर एग्जिस्टिंग है जो कि जिसके तहत आपको जानकारी प्रदान की जा सकती है जी, तो जानकारी पहले वो फर्स्ट ऑप्शन है, उसके तहत आप उसके तहत जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद फिर आप आरटीआई का उपयोग करें। क्योंकि क्या होता है कि देखिए कई जगह जैसे नक्शे की और अक्स की जानकारी होती है तो कई जगह उसकी फीस का अलग स्ट्रक्चर होता है, आरटीआई में 2 रुपए लगते हैं और वहां पर 100 रुपए की फीस होती है या 50 रुपए की फीस होती है सर। इन्होंने सर पर प्रति सर 230 रुपए की फीस लिख करके सर मेरे को जवाब दिया है सर। ठीक है 230 वो आत्मदीप जी इसमें कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं, और आत्मदीप जी ने एक बार ऐसा ही कुछ निर्णय दे दिया था, किसी ने जानकारी मांगी थी ऐसी पूरे लेवल की कि कहां क्या क्या जमीन किस संबंध में थी, शायद नामांकन या कुछ। आत्मदीप जी देखिए इस ओमर राम जी बंजारा के मामले में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने जो भी जानकारी मांगी है वो बीपीएल को निःशुल्क देने का जो प्रावधान है उसकी परिधि में कतई नहीं आती है। इन्होंने 8 साल से ज्यादा अरसे की 8 बिंदुओं की, अभी 2-3 बिंदु गिनाए हमने, इनकी वो पूरी खबर पढ़ी है जो पत्रिका में या किसी अखबार में छपी है जी 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 सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पढ़ा है इस बारे में, तो बहुत ज्यादा वो शायद हजारों या लाखों प्रश्नों की जानकारी है। इस बारे में ओमाराम जी आपको ये जान लेना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम में मध्य प्रदेश में तो जो नियम बने हैं वैसे ही राजस्थान में भी उससे मिलते जुलते होंगे जी जी। मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस और अपील नियम 2005 उसमें बीपीएल के बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर बीपीएल आवेदक द्वारा चाही गई सूचना स्वयं से संबंधित है तो मुफ्त दी जाएगी। अच्छा अच्छा दूसरा नियम है अगर सीधा संबंध नहीं है बीपीएल आवेदक का मांगी गई सूचना से लेकिन 50 पैसे तक सीमित है तो भी निशुल्क दी जाएगी। और तीसरा नियम है, अच्छा ये निशुल्क दी जाएगी सीधे संबंध वाली या 50 पैसे तक की, सीधा संबंध नहीं है तो भी देंगे। इसके साथ 2 शर्तें भी है, बशर्ते कि सूचना उस रूप में उपलब्ध हो जिस रूप में मांगी गई है और प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिए अहितकर ना हो, ये दोनों शर्तें भी लागू है इन दोनों प्रावधान। तीसरा नियम जो महत्वपूर्ण है ओमाराम जी जी सर, वो ये है कि अगर 50% से ज्यादा की सूचना मांगी गई है बीपीएल आवेदक द्वारा जो स्वयं से संबंधित नहीं है तो लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वो आवेदक को कहे कि आप रिकॉर्ड का अवलोकन करो और इसको मांगी गई सूचना को 50% तक सीमित करो। आपके मामले में ये गलती जरूर लोक सूचना अधिकारी है कि उसने आपको ये अवसर नहीं दिया और सीधा शुल्क सूचना पत्र भेज दिया, वो भी अपूर्ण, शायद प्रश्न संख्या नहीं लिखी सर, उन्होंने जो शुल्क नहीं किया जे, वो 250 रुपए पर सेट जो आप बता रहे हैं 230 रुपए से जी, वो बिल्कुल सही है क्योंकि ये आरटीए एक्ट में ही साफ प्रावधान है जी सर कि कोई भी आवेदक जो सूचना मांगता है उसके लिए अगर अन्य कानून में या अन्य किसी नियम में अलग फीस का प्रावधान है तो आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा। जी जी
सर सेक्शन 22 में कुछ लिखा है ऐसा कुछ सर, मेरे किसी साथी ने बताया सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि जो सूचना आयोग का आदेश है उसके ऊपर कोई भी सरकार या कोई लोक सूचना अधिकारी मार्गदर्शिका का उपयोग नहीं कर सकता, ऐसा सर कुछ है क्या? मैंने सेक्शन 22 पढ़ा नहीं सर, किसका उपयोग कर सकते हैं? जी गांधी सर कुछ बोलना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सूचना का अधिकार जब आप इस्तेमाल करेंगे जी, सेक्शन 22 क्लियरली कहता है कि और कोई भी इनकंसिस्टेंट होगा तो वो अप्लाई नहीं होगा, और मेरे हिसाब से कोर्ट्स ने जो निर्णय दिए हैं वो सरासर कानूनी तौर पे गलत है। राहुल सिंह ने जो बताया कुछ कोर्ट्स ने ऐसे निर्णय जरूर दिए हैं मगर सूचना के अधिकार के को खिलाफ है, और सेक्शन 22 को उन्होंने अमेंड कर दिया इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो मेरे हिसाब से गलत है। मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जब एक्ट के बाद हमने रूल्स पारित कर दिए तो रूल्स अगर चैलेंज नहीं हुए हैं तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स, इफ नॉट येट चैलेंज्ड। माय ओनली पॉइंट सर इज यू कैन आरटीआई रूल्स में से, मेरी बात सुन लीजिए, आरटीआई रूल्स ये कह सकते हैं कि पहले से अगर निर्धारित कुछ शुल्क है तो वो चार्ज करेंगे, दैट इज पॉसिबल इन द आरटीआई रूल्स, बट यू कैनॉट ओवरराइड सेक्शन 22, दैट इज माय पॉइंट। गांधी सर अगर गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम कर दिए, नोटिफाइड कर दिए हैं वो रूल्स, हम चैलेंज नहीं कर सकते ना, हम रूल्स आर नॉट एज पर द लॉ, दैट इज माय ओनली कंटेंशन। तो हमें रूल्स को चैलेंज करने की आवश्यकता है, क्या होता है रूल्स जो होते हैं वो क्या है, इन जो शैलेश गांधी जी कह रहे हैं वो सही है, वो इनकंसिस्टेंट ऑफ आरटीआई एक्ट के इस पे नहीं जा सकते, इन कंट्रोवर्शन ऑफ आरटीआई एक्ट नहीं बनेंगे रूल्स। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान लीजिए कि आरटीआई एक्ट, सर वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर नियमावली उल्लंघन पे बनी है तो नियमावली को हमें जहाँ पर हमारा इलाज हो सकता है हमें वहाँ चैलेंज करके नियमावली को संशोधित करवाने की आवश्यकता है। नियम तो ये कहता है कि मतलब कि सर आप खुद समझिए कि क्या आप किसी सर क्या आप किसी अधिकारी पे जुर्माना लगा सकते हैं कि नियमावली में अगर दे नहीं है तो फिर आप उसको फोर्सफुली कैसे दे दिलवा। कुमार सिंह जी नियम तो ये कहता है उसका पालन करवा के दिखवा दीजिए, नियम तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश सूचना आयोग को एक समय अवधि में अपील का डिसीजन ले लेना है। सर अगर आयुक्त चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि नियम का पालन कहाँ हो रहा है, वो नियम इनकंसिस्टेंट है। खुद यहाँ पर सूचना मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं यहाँ पर जब रहे इसमें पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, तो उन्होंने कह दिया है कि नहीं वी डोंट, ये एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि निश्चित समय अवधि में राज्य सूचना आयोग को इसमें निर्णय लेना है। तो खुद हाईकोर्ट ने इस चीज को चैलेंज किया था लेकिन उसमें फिर कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो वो नियम तो कोई नहीं मानता। माननीय राहुल जी इस मामले में उमर राम जी बंजारा संबंधित चर्चा हो रही है, इसमें कहीं भी धारा 22 में जो प्रावधान है कि आरटीआई एक्ट प्रोविजन बाकी सब कानून नियमों पे सर्वोपरि प्रभाव रखेंगे, सहमत हूँ इसमें। और जो ये नियम है इसी आरटीआई एक्ट में ही कि अगर किसी विभाग या निकाय द्वारा अपने कोई प्रकाशन मुद्रित है या उनके जो भी रिकॉर्ड है उनके द्वारा बनाया गया सृजित किया गया और उसकी कोई अलग से फीस निर्धारित है तो वो देनी होगी, प्रावधान है, इसलिए इस मामले में कोई विरोधाभास ही नहीं है। नियम I concede आदरदीप जी, रूल्स कैन से कि जो पहले अगर फिक्स हुआ है कोई प्राइस तो वो प्राइस लागू होगा, वो हो सकता है। रूल्स में टेक्निकली पर पेज भी कितना चार्ज करना ये रूल्स पे डिपेंडेंट होता है, मगर ये कहना कि आरटीआई के तहत नहीं आओ और फलाने कानून में आओ वो गलत है, ये मेरा कहना है सर। देखिए ये उमर राम जी जैसा ही किस्सा जो राहुल जी ने इशारा किया हमारी कोर्ट में आया था, ग्वालियर की कमला राजा स्वायत्त शासी गर्ल्स कॉलेज पीजी कॉलेज, वहाँ एक अनपढ़ महिला ने जिन्होंने अंगूठा लगाया था कि जानकारी मांगी थी बीपीएल के नाते कि मुझे निःशुल्क दी जाए, कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक के पूरे एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ की सर्विस बुक की कॉपियां जो करीब 300 से ऊपर होती थी। अब ऐसे मामलों में जो उमर राम जी ने भी मांगा ये भी बीपीएल है कि एक एक रजिस्ट्री के 8 सालों की पूरी डिटेल, नाम पता तारीख कब किसका किस श्रेणी में पूरी बारीकियों के साथ, जैसे ग्राम पंचायत की समस्त जानकारी मांग ली जाती है ऐसे उस उप पंजीयन कार्यालय की उन्होंने तमाम मांग ली।
अब उसमें क्या लोक महत्व का विषय है और क्या उसका सार्वजनिक उपयोग है, और आर्किटेक्ट का ये भी है कि जो सूचना आयोग है उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि लोक प्राधिकारी कार्यालय और आवेदक या अपीलार्थी उनके बीच में एक मांगी गई सूचना के संबंध में संतुलन कायम किया जाए, ताकि लोक प्राधिकारी कार्यालय के संसाधन गैर आनुपातिक रूप से प्रभावित न हो। अगर इनको अमर राम जी को सारी जानकारी दी जाती तो मेरे ख्याल से कम एक दो महीने उस कार्यालय को सारा काम ठप करके यही सारा रिकॉर्ड लिखाना पड़ेगा, और इन लाखों हजारों पेजों को एक एक को सत्यापित करने में कितना समय चला जाएगा, और हर सरकारी कार्यालय में स्टाफ की शॉर्टेज है तो क्या होगा। तो जो उस महिला ने मांगी थी सारे कॉलेज के एकेडमिक नॉन एकेडमिक में स्टाफ की सारी चुकी कॉपी, तो कॉलेज की प्रिंसिपल जो लोक सूचना अधिकारी थी उन्होंने उस महिला को लिखा कि आप आके ये बहुत सारे पेज हो जाएंगे 5000 से ऊपर, आप आके अवलोकन कर लीजिए, इनमें से जो चिन्हित है वो ले लीजिए। तो क्योंकि निरक्षर महिला थी वो अवलोकन कर नहीं सकती थी, उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो जो मांगा है वही दिया जाए। हमारी कोर्ट में जब मामला आया तो सामने आया कि उसका देवर उस कॉलेज में दैनिक वेतन भोगी था और शराब पी के उसने कोई गलत हरकतें कॉलेज में की, उसके कारण उसको नौकरी से निकाल दिया प्रिंसिपल। तो उस देवर ने अपनी भाभी को जो अनपढ़ थी उसको पीछे लगा दिया प्रिंसिपल के, तुम्हारे टी लगाओ, उसके पहले हमने खारिज की, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। कुछ मिलता जुलता मामला है ये वाला, माफ कीजिए जी। जी इसमें आपने एक कंपैरिजन अक्सर आप लोग कर देते हैं कंपैरिजन की, ये जैसे ये वाले मामले को लेकर के और ये पंजीयक वाला, ये निश्चित तौर पे पंजीयक वाला जो केस है ये थोड़ा सा डिटेल में है और काफी डिटेल में, इनफैक्ट ये तो तय बात है तो न्यूज पे भी आई थी। लेकिन पंचायतों के साथ जब आप लोग कंपैरिजन कर देते हैं, जैसे 5 साल की जानकारी मांगने को ज्यादा बृहद बता देते हैं, और मैं शुरू से ही इस बात में अड़ा रहा हूँ और निरंतर अड़ा रहूंगा क्योंकि पंचायत में ही रहता हूँ, तो मैं जानता हूं कि एक पंचायत में कितने दस्तावेज संधारित किए जाते हैं और एक पंचायत के कितने कार्य हो सकते हैं। वो एक पंचायत बहुत बड़ी नहीं होती है, कुछ पीसीसी निर्माण, कुछ मनरेगा के काम, कुछ इस तरह से, तो 5 साल में कितना उनका दस्तावेज रहता है वो भी हमें पता है। मान लीजिए 10,000, 1500 से 2000 पन्ने, इससे ज्यादा नहीं रहते, ठीक है ये ज्यादा है, लेकिन ये संधारित रहते हैं, एक जगह रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि इनको ये किस तरह से इनको वो करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि पंचायतों की जो जानकारी है, पहली बात तो इनको वेब पोर्टल पे ज्यादातर साझा हो रही है और की जानी चाहिए, एसटीएस वगैरह और जो जानकारी इनको साझा की जानी चाहिए, ये जानकारी लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, ये तो सबसे क्लियर फंडा है इसका, धारा 4 के तहत आप इसको साझा कर दो, इसको अपन ऐसे कंपैरिजन से दूर ही रखें। और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति मांगता भी है जानकारी तो ये बाई डिफॉल्ट एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि पंचायतें हद से ज्यादा भ्रष्टाचार है, मतलब कम से कम है तो सब में, विधायक ने सांसद ने इसका पैसा हमने मतलब काम निकलवाया, हमने उसमें भ्रष्टाचार एक्सपोज किया, सारी चीजें हमारे फेसबुक में रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हमारे रीवा जो जिले के विधायक हैं 8 और 2 सांसद हैं, उनकी मैंने जानकारी निकलवाई, वो मैंने एक्सपोज की, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार तो है लेकिन पंचायतों में और ज्यादा व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है, तो ये जानकारी मुझे लगता है कि सूचना आयुक्तों को सीधे डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जब ये जानकारी निकलवाता है तो इसके पीछे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी हमेशा ही पंचायतों के विषय में कि जो धारा 4 के तहत जो चीज मिसिंग है तो सबसे पहले उसकी स्टडी की जाए, और जो चीजें धारा 4 के तहत मिसिंग है उसको सूचना आयुक्त महोदय जो भी हैं, जिससे भी संबंधित सूचना आयुक्त महोदय हैं, वो उसको बोले कि जो पंचायत विभाग है वो पब्लिक पोर्टल पर डाले, क्योंकि इतनी बृहद पंचायतें होती है, व्यापक मामला होता है, और हर पंचायतों से हमने बताया कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो 23,922 पंचायतें हैं, तो इतनी सारी पंचायतों के दस्तावेज असंभव है कि इतनी सारी अपीलें जाएं आयोग में और हर कोई यही जानकारी मांगे, तो सीधे पंचायत के किसी व्यक्ति की आरटीआई को आप खारिज कर दें, आप बृहद बता दें, उसको रिजेक्ट कर दें, इससे बेहतर है कृपया आप लोग इस पर ध्यान दें कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पोर्टल पर आए और इसका आप लोग एक रिव्यूएबल सिस्टम रखें, मतलब इसको रिव्यू करें, क्योंकि इसको मतलब डिनाई नहीं किया सकता, क्योंकि ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, तो इसको अपन इस कंपैरिजन से अपन थोड़ा सा इसको बचाएंगे। खैर ये तो यहाँ पे बात हो गई, और अपन अब अगले पॉइंट की तरफ अपन चलेंगे, यदि आप लोगों को कोई और प्रश्न है तो कृपया आप लोग आगे बढ़े। शिवानी जी, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। गौरव जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। शिवानी जी, मेरा प्रश्न, मेरे 3 प्रश्न है, मैं एक एक करके, मैंने ऑलरेडी चैट में भी डाल दिए हैं, मैं लेकिन बोल रहा हूँ। मैंने एक आरटीआई लगाई एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, जो कि 1 दिसंबर 2020 को मैंने भेजी, और पीआईओ को लेटर आया मेरे पास 10 फरवरी 2021 को, मतलब करीब 3 महीने बाद, लेकिन उस पर डेट पड़ी हुई थी 27 दिसंबर,
और उसके ऊपर जो स्टैंप लगी हुई थी पोस्ट ऑफिस की, वो लगी हुई थी 6 फरवरी की। ये प्रैक्टिस कि भाई जो लेटर भेजते हैं उसमें डेट डाल देते हैं वो बहुत पुरानी, जिससे कि उनका समय पूरा हो जाता है, लेकिन वो भेजते हैं एक्चुअली बहुत लेट, 2 महीने 3 महीने के बाद। ये रूटीनली वहां पे हो रहा है क्योंकि और लोगों को भी ये दिक्कतें आई हैं, हर बार यही हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि इस प्रैक्टिस को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे कंप्लेन करनी चाहिए या मैं व्हाट कैन आई डू? और इन्होंने इन्फॉर्मेशन आई उसके बारे में मैं अगला प्रश्न पूछूंगा। सर सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि मैंने स्कूल के बारे में मांगी थी तो उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट स्कूल है इसलिए ये सूचना हम आपको नहीं दे सकते। आई गॉट इट। देखिए ऐसा है, पॉइंट नंबर 1, 7-1 का वॉल्यूशन हो गया, 30 डेज का वॉल्यूशन हो गया, भले ही उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश की है, बैक डेट में लेटर इशू किया है, तो ये उसके लिए PIO खुद अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आप जो डाकघर का जो आप बोल रहे हैं वो सील लगी हुई है 6 फरवरी की, आप उसका भी फोटो कॉपी कराएं, उस सील का भी फोटो कॉपी कराएं, और जो उन्होंने लेटर आपको रिप्लाई भेजा 6 तारीख वो उससे पहले का बैक डेट में, उसका भी फोटो कॉपी भेजें, और साथ में जो आपका जो आपने रिसीविंग एक्चुअल रिसीविंग है जब आपके यहाँ उसका भी आप भेज दें। और इस तरह से आप इसकी कंप्लेंट पॉइंट नंबर 1 में तो आप ये कंप्लेंट करिए कि इन्होंने वॉल्यूशन किया है, ये इन्फॉर्मेशन को 30 डेज देनी थी तो इन्होंने वॉल्यूशन किया, इन्होंने 3 महीने बाद ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये नहीं मिल सकता, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इन्फॉर्मेशन जो दी है वो मिसलीडिंग दी है कि ये प्राइवेट स्कूल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जबकि दी जा सकती है। देखिए हर पेरेंट को ये जानने का हक है कि उनके बच्चे जो है वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है, और उनका जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये सर, मैं राहुल जी से बात अथॉरिटी बात कर सकता हूँ क्या? अभी मैं नहीं, अभी बात चल रही है, आप बाद में। तो स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी का ये कर्तव्य है कि वो मान्यता संबंधी दस्तावेज की जांच करे, उनकी पूरी प्राइवेट स्कूल ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसका लैंड रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन तथ्यों की जांच करके के बाद ही उसको मान्यता दी जाती है। उसके बाद उसको वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है कि भाई ये स्कूल मान्यता प्राप्त है। तो इसीलिए मेरा ये इसमें स्पष्ट मानना है कि इस तरह की जानकारी जो कि एक बच्चे के भविष्य संबंधित है और पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानकारी जो है इसको चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, अगर उसको मान्यता दी है स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने, तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड इज लायबल टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू एवरीवन एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये जरूरी है। तो आप इसमें फर्स्ट अपील में इसकी शिकायत राम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, आपके पास अब किसी और के पास नहीं सर, सर आप बोले वो उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनकी आवाज हम सबको ही नहीं आ रही है, कट के आ रही है। अच्छा आप सर बोले, am I clear now? Am I audible? नहीं नहीं आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, आपकी आवाज। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, तो इसीलिए इसमें ये फर्स्ट अपील करें, और फर्स्ट अपील करने के साथ बाद में अगर वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सेकंड अपील में जाइए और इनकी शिकायत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003 के अंतर्गत मैंने यहाँ पे एक चैट में डाला है, उसमें सेक्शन 31(1) कहता है एवरी प्राइवेट स्कूल सीकिंग रिकॉग्निशन शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 2 टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अलॉन्ग विद रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। मेरा प्रश्न है क्या मैं कैन आई आस्क फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाई ए पर्टिकुलर स्कूल फॉर द recognition along with the certificates also? देखिए जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए होंगे, मान जो रिकॉग्निशन संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं RTI के तहत, क्योंकि वो गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड है, सेक्शन 2 पब्लिक रिकॉर्ड है, उन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जमा किया है डॉक्यूमेंट प्राइवेट स्कूल ने, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर। कई स्कूल जो हैं इसमें मैं आपको बताता हूं, कई बार इसमें फ्यूडिशियल रिलेशनशिप तक यहां पर कई हमने देखा, एजुकेशन अथॉरिटी जो है फ्यूडिशियल रिलेशनशिप को कोट कर देते हैं,
सेक्शन 8 के तहत कहते हैं कि हमारा फिड्यूशियल रिलेशनशिप है और हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, मेरा कहना ये गलत है। आपको इस देश के संविधान ने एक अथॉरिटी के तहत आपको ये पावर दी है, वो रेगुलेटरी पावर है आपकी, आपका काम ही है कि आप स्कूल पर नजर रखें। तो ये आपको इसलिए नहीं दिया कि आप अपने आपसी संबंध निभाएं, उसमें फिड्यूशियल रिलेशनशिप निभाएं, उसके लिए नहीं दिया है। तो ये तो इन पर ये दे आर लीगली बाउंड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। इस संबंध में कोई जजमेंट है जो मैं कोट कर सकता हूँ? ऑफ राइट मुझे तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने खुद अभी एक प्राइवेट स्कूल की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और 10,000 रुपए का मैंने उसमें हर्जाना भी दिया है। एक रीवा का एक मामला था, उसमें एक प्रोफेसर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है वो वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी एक प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड, और उनको ये बोल दिया गया कि अभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पोर्टल पे नहीं है, उस तरह के कुछ बहाने बनाए थे। और फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, और फिर उसमें बहुत फनी चीज ये हुई है कि मजेदार बात मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें शैलेश गांधी जी का कोई एक ऑर्डर था उसमें, और उसमें एक और एक ऑर्डर था उसमें पूर्व सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका भी ऑर्डर लगा दिया था, और उन दोनों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर वो कोट किया था, जबकि उसमें ये था कि प्राइवेट, और वो डेफिनेटली वो कोई डिस्प्यूट का मैटर रहा होगा कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सकती नहीं दी जा सकती, तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलर एक्सेप्ट सिर्फ कोट करके लगा दिया था। तो वो गलत तरीके से वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने भी पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने से मना किया है। तो हमने उनको बोला कि नहीं ये गलत है, आपके ये सारे फिड्यूशियल रिलेशनशिप के भी जो आपने ये इसमें ये दिया है वो भी गलत है, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो आपका डिसीजन मुझे कहाँ मिल सकता है जो आपने भी कोट किया? ये इन्फॉर्मेशन आपको शिवानंद जी के पास आपको वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपके इसमें चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। हाँ आत्मदीप सर बताएं। ऐसे ही एक मामले में जो इन्होंने प्राइवेट स्कूल की मांगी और वो नहीं दी, अभी राजस्थान सूचना आयोग ने भी एक फैसला किया है जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज की जिसको सरकार से अनुदानित मतलब नाम मात्र की कीमत पे जमीन वगैरह और सुविधाएं दी गई है प्राइवेट कॉलेज द्वारा। नारायण बरेठ जी का भी जो ऑर्डर आया है सूचना अधिकारी को दंडित किया। राजवीर सिंह होरा, मेरा सवाल राहुल सर से। हाँ राजवीर सिंह जी बताइए। राजवीर सिंह जी पूछिए अपना सवाल पूछिए। जी मेरा मैं क्या पर्यावरण के ऊपर काम करता हूँ इसलिए मेरी ज्यादा आरटीआई जो है वन विभाग से संबंधित होती है। मेरे द्वारा 4 अपील लगाई गई थी जिसकी सुनवाई सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई। इसमें लोक सूचना अधिकारी के द्वारा मेरे द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में कोई निराकरण नहीं करने पर प्रथम अपील लगाई गई। प्रथम अपील लगाने पर भी वहाँ कोई निराकरण नहीं हुआ ना कोई सुनवाई हुई। उसके संबंध में मैंने अपील लगाई थी। अपील की सुनवाई के 2 दिन पहले मुझे वन विभाग से कुछ जानकारी दी गई जो आधी अधूरी थी। मैंने माननीय आयुक्त महोदय से ये कहा था लिखित में कि इस कार्यालय के द्वारा इसी प्रकार का कृत्य किया जाता है जिसमें प्रकरण का निराकरण नहीं किया जाता है और समय पर जानकारी नहीं दी जाती है। इस संबंध में इनके ऊपर 20(1) और 20(2) की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसको मतलब उनका रवैया बिल्कुल हम लोगों के विरुद्ध रहता है। उन्होंने स्पष्ट मुझे कहा कि मुझे जो भी करना है मैं करूंगा, आपको अगर मेरे आदेश में अगर जरा भी वो दिखता है तो आप हाई कोर्ट जाइए। और उन्होंने इस पर कोई भी उनके विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं लिया बल्कि उल्टा यह आदेश पारित कर दिया कि इसमें दिलचस्प बात यह है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने ये बताया, प्रथम अपीलीय अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी ने ये बताया कि 9/2/21 को 179 पेज की जानकारी इनको प्रदान की गई है। मैंने उनको ये कहा कि जो जानकारी प्रदान की गई है वो इस केस से संबंधित नहीं है,
परंतु उन्होंने इस बात को कुछ भी नहीं सुना और ना माना और ना अपने आदेश में कहीं उल्लेख करा। उन्होंने आदेश में ये लिख दिया कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विस्तृत जानकारी चाहने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, और ऐसा दो तीन आदेश की उन्होंने वो लगा दी और लिख दिया कि आवेदक को संकल्पित कर जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, जबकि मेरे द्वारा चाही गई समस्त जानकारी वहां पर उपलब्ध रहती है, उसको अलग से कोई संधारित करने की आवश्यकता नहीं होती जो पूर्व में रहती है। और जितने भी प्रकरणों में मैंने देखा है, मेरे करीब 7 प्रकरण इनके पास गए हैं, 7 में इनका रवैया जो है बिल्कुल आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ही होता है। और दूसरा एक प्रकरण इसी के साथ में था, उसमें मेरे द्वारा बताया गया कि ये वाहन पकड़ा गया था और इस पर इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई बताएं, तो लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि ये इस नंबर का कोई वाहन पकड़ा ही नहीं गया था, जबकि मैंने उनको बताया कि मेरे पास साक्ष्य मौजूद हैं, ये अखबार में कटिंग है और ये वाहन हम लोगों के द्वारा पकड़ाया गया था, फिर भी उन्होंने इस पर कोई वो नहीं करी और वो सारे आवेदन को उठा उठा करके खारिज कर दिया। तो अब इस संबंध में मुझे क्या करना चाहिए? और अभी कल उनके राज्य सूचना आयोग से ये पत्र आया है, 3 अपील मेरी थी, अब उन्होंने क्या करा है, तीनों अपील को एक एक हफ्ते के बाद में रखा है, और पूर्व में 4-4 अपील एक दिन में सुनी है उन्होंने, लेकिन अब 3 अपील जो है, एक उन्होंने 7 तारीख को रखा है, दूसरा 16 तारीख को रखा है और तीसरा 23 तारीख को रखा है, ये अप्रैल माह की, तो तीनों अपील को पृथक पृथक, और वो स्पष्ट कहते हैं कि हमें आपका कुछ नहीं सुनना, मैं तो मोटी बुद्धि का हूँ, आप तो हाईकोर्ट जाओ। तो ऐसे सूचना आयुक्तों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? इस विषय में अभी हमारे वर्तमान सूचना आयुक्त महोदय कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरा मामला है, और आपने जो बात कही है ज्यादातर अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बृहद जानकारी है या नहीं है ये तो आपने प्रूफ दिया, और संकलित करना या नहीं करना है वो आपने अपना प्रूफ दिया, वो सही है कि आपने अपना प्रूफ दिया और संकलित नहीं करना है, उपलब्ध है, उन्होंने नहीं सुना, तो इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और जो अन्य शिकायतों के माध्यम है वो शिकायतें करनी पड़ेगी, यदि आपको लगता है कि कोई सूचना आयुक्त सही तरीके से नियम के मतलब अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये समस्याएं अक्सर आ रही हैं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आ रही हैं, अन्य हमारे राज्यों उत्तर प्रदेश और आपके झारखंड और तमाम आ रही हैं, तो ये एक इशू है, इस पर जो हम जो और कार्यकर्ता हैं जो इस तरह से, तो प्रूफ कलेक्ट करके और एक याचिका दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट के लिए अपन जा सकते हैं, तो ये तो एक दूसरा इशू है, ठीक है। तो और इस विषय में मेरा कहना ये है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा वहां से मतलब राज्य सूचना आयोग से सुनवाई का जब पत्र आया, उसके 2 दिन पहले मुझे उस मामले में जानकारी दी गई, और पूर्व में ना लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कोई पत्राचार किया गया, 30 दिवस में ना कोई निराकरण किया गया, और ना प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किसी भी पत्रकार का पत्राचार किया गया, यानी वो सूचना को रोकने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन था कि धारा 7 1 के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कि ये 2 साल से इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, कोई पत्राचार नहीं करा, आपका पत्र आने के बाद, राज्य सूचना आयोग का पत्र आने के बाद उन्होंने जानकारी दे दी, 4 में से 3 में उन्होंने जानकारी सही दी, 1 में जानकारी गलत दी, सारे साक्ष्य मेरे पास थे, मैं मेरा जो पक्ष उनके समक्ष रख रहा था उसे उनको उन्हें नोट शीट में या उनके आदेश में मेरी बात को लिखना चाहिए, वो किसी भी बात को नहीं लिखा, उन्होंने सबको डिनाई कर दिया, और जो भी पक्ष लोक सूचना अधिकारी के रूप में राज्य सूचना आयुक्त स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने तो यहां तक बोला लोक सूचना अधिकारी को, अरे ये तुमने जानकारी क्यों दे दी, ये तो देना ही नहीं चाहिए था, पूर्व में वन विभाग के द्वारा मुझे 10,000 पेज की जानकारी दी गई है, और अभी 3,000 और 1,500 और 500-700 पेज की जानकारी विस्तृत कैसे हो सकती है, मेरे द्वारा शुल्क जमा करने के बाद 10-12 हजार पेज की जानकारी दी गई है, और यहाँ खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध रूप से मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने में पेड़ काटे जाते हैं, जिसकी लड़ाई में काफी लंबे समय से इंदौर हाईकोर्ट तक में लड़ रहा हूँ, उसमें हमने स्टे भी लिया हुआ है, ये क्या करते हैं, हम लोग गाड़ियां पकड़ाते हैं, गाड़ियों की सूचना देते हैं, ये कुछ प्रकरण दर्ज करते हैं और कुछ प्रकरण को बाहर गायब कर देते हैं, और जब हम लोगों के द्वारा आरटीआई लगाई जाती है तो 2 साल तक तो उस पर कोई जवाब नहीं देते, 2 साल के बाद बोल देते हैं कि इसमें कोई प्रकरण ही दर्ज नहीं है, तो अब ये जानकारी लेके 2 साल के बाद इस पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब
ये जन मतलब धारा 7 का उल्लंघन किया, धारा 7 की उपधाराओं का भी उल्लंघन किया, 7, 8, 2, 7, 8, 3 और इन सबका उल्लंघन किया, जानकारी आपको सर मैं पूछना चाहता हूँ सर वो सब ठीक है। तो अब उसमें आयोग के पास ही ये पावर रहती है कि वो सुनवाई के दौरान वो करें, यदि उन्होंने नहीं किया है तो अब हम सबको पता है कि ये आपस में हम तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बाध्यकारी होता है आयोग का निर्णय बाध्यकारी होता है तो अपन और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, यदि हम संतुष्ट नहीं है तो हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हेलो लगता है इसका यही फाइनल निर्णय है और ये समस्याएं आ रही हैं और जो समस्याएं इस तरह से आ रही हैं जनरल प्रॉब्लम आ रही है उसके विषय में काफी लिखा पढ़ी की जा सकती है और वो आप लोग ग्रुप में शेयर करें और उसका निश्चित तौर पर क्या हार अपील आप मदीप सर इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं तो जोड़ सकते हैं। शिवानंद जी आपकी बात के साथ जोड़ना चाहेंगे कि और इनके हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही जी ये जो होरा जी ने तकलीफ बयान की है इनकी अकेले की नहीं है और भी काफी कई लोगों ने हमें भी बताया है उस कोर्टरूम में सुनवाई नहीं होती केवल आदेश हैं और ये कहा जाता है कि हम जो पूछ रहे हैं केवल उतना जवाब दो उसके अलावा आपकी कोई बात नहीं सुनी जाए तो इस तरह की प्रवृत्ति ठीक नहीं। सुनवाई का मतलब क्या है कि जो पक्षकार है उनका पक्ष आप सुनने के लिए बैठे हैं न कि अपना पक्ष सुनाने के लिए। आप तो आयुक्त तो अपना पक्ष आदेश में सुनाएंगे लिखेंगे, सुनवाई तो जो भी पक्षकार है उन्हीं को सुनने के लिए होती है। उसमें अगर ये कहा जाए ये घोर आपत्तिजनक है कि हम कुछ नहीं सुनेंगे सिर्फ हम जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए बाकी आप मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन्होंने बोला कि मैं मोटी बुद्धि का हूँ उन्होंने ये मुझे बोला मेरे पास इस संबंध में कि मोटी बुद्धि का कानून का ज्ञान नहीं है। जी जी आप राजवीर सिंह जी सुने पहले आपने तो पूरा कर ले अपनी बात सर। आपको होरा जी को और इनके जैसे और लोगों को मुख्य सूचना आयुक्त से भी मिलके व्यक्तिशः और उनको सारे तथ्य बताने चाहिए कि ये आपके प्रशासनिक मुखिया इस आयोग के आप इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगाइए और हियरिंग की तरह जैसी न्याय व्यवस्था में होती है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन कराइए और सुनवाई तरीके से हो ये थोड़ा सुनिश्चित कीजिए। और इसके साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी लिखना चाहिए तथ्य देते हुए अलग अलग मामलों इस तरह से अनजस्टिस हो रहा है इस पे उचित कार्रवाई की जाए। जी मेरा भी यही कहना था कि जांच शुरू हो सके राष्ट्रपति को भी अधिकार है राज्यपाल को भी अधिकार। जी मेरा इस संबंध में यही कहना था कि हम जितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो लोक सूचना अधिकारी है या सूचना आयुक्त है अगर वो गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। ऐसे सूचना आयुक्तों को उनके पद से हटवाना चाहिए क्योंकि एकदम मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है इन्होंने बोला है कि मैं मोटी बुद्धि का हूं मुझे नहीं आता हम जो कर रहे हैं वो सही है आप हाई कोर्ट जाइए। और जितने आवेदन मेरे उन्होंने इसी मतलब अनजस्टिस खारिज करते गए और क्या कोई भी व्यक्ति जो है हर आवेदन को लेकर के हाई कोर्ट ही जाएगा और इनको पता है कि हाई कोर्ट जाने के बाद भी इनके ऊपर कोई दंड नहीं होना इनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होना इसलिए ऐसा कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने धरना प्रदर्शन भी एक उपाय हो सकता है। जी इसके लिए हम सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को मिलकर के ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्याय के लिए सड़क पर उतरना होगा या कानूनी कार्रवाई करना होगा ताकि और जो दूसरे लोग हैं या दूसरे अधिकारी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि इस प्रकार से तो एक आरटीआई कार्यकर्ता का मनोबल ही खत्म होगा और सूचना का अधिकार का हनन जितना सरकारी विभागों में नहीं हो रहा है उससे जाकर के अपीलार्थी जो है अपीलार्थी वहां एक न्याय की उम्मीद लेके जाता है कि हमारी बात को सुनी जाएगी और हमारे साथ इंसाफ होगा। हम वहां सिर्फ सूचना लेने नहीं जाते हम वहां इसलिए भी जाते हैं कि ये लोक सूचना अधिकारी बार बार मैंने उसी न्यायालय में 27 बिंदुओं पे भेजा था जिसमें उन्होंने आदेश पारित करा था इनके पक्ष को सुनते हुए विधि अनुरूप इनको दिया जाए और उस दिन उन्होंने क्या बोला कि अरे आप मेरे ही आदेश को बार बार इसमें क्यों लगाते हैं। मैंने कहा साहब आपने ही लिखा है ना कि वन मंडल आईपीओ को लिखा है कि आप नियम को जानकारी दिया जाए तो वो कहते अरे वो तो हमने एक मतलब केस के संबंध में लिखा है तो मैं कहा आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा तो या मानना भी है पालन करवाइए तो बोले आप तो हाई कोर्ट जाइए। चलिए इसका अपन लोग ग्रुप में भी और ऑफलाइन आगे भी डिस्कशन करेंगे और आपने मुद्दा उठाया सबके सामने मुझे लगता है कि होरा जी को जैसे लग रहा है कि मोटी बुद्धि के तो सर आप ऐसी मोटी बुद्धि के 8-10 लोग और पैदा कर लीजिए। नहीं नहीं सर मैंने नहीं बोला मोटी बुद्धि का उन्होंने बोला नहीं वो ठीक है मैं आपकी बात नहीं नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो मैं वीडियो भेज दूं आप बोलिए तो अपन सर आप मेरी बात समझो वो हम कहना क्या कह रहे हैं जी क्या है कि ऐसा वीडियो भी आपने बनाया है आप ऐसे 8-10 लोगों को तैयार मीडिया वालों को दीजिए ना आप लोग 226 में आप
आप 226 में आपके पास आप इकलौते नहीं होंगे, 226 में जाने के लिए 8-10 लोग और भी होंगे। आप हमारी बात को समझिए जी, अगर आपको मोटी बुद्धि कहा है तो आप ऐसे 8-10 लोग उसी आयोग में और मुझे नहीं कहा है, उन्होंने स्वयं को नहीं कहा है, उन्होंने स्वयं को कहा है वो ठीक है। तो देखिए आयुक्त मोटी बुद्धि नहीं है, आयुक्त आयुक्त हैं और वो इस कानून का पूरा निचोड़ पी करके आए हुए हैं। आप पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको उनकी वीडियो शेयर करूंगा, आप ठीक है ना। तो आप आयुक्तों की क्षमताओं पे मत करिए, आप गलत बोल रहे हैं। 226 में हमारे पास मैं सैल्यूट करता हूँ राहुल सिंह जी को, आयुक्तों की बात नहीं, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो उस कुर्सी पे बैठ कर न्याय को ठोकर मार रहा है, मैं उस एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आप उसको जनरलाइज तो साहब उसके खिलाफ 226 में आपके पास प्रावधान है, वही समस्या आपके पास 226 में प्रावधान है, उसमें आप मार्गदर्शन आपके पास पूरे प्रावधान है। अगर इनजस्टिस हो रहा है आप अपनी इनजस्टिस के लिए आपके पास हमारे पास पूरा जी सर। देखिए ऐसा है, यहाँ पर ये जितने लोग हैं जो भी आरटीआई लगाते हैं उनके इसमें कहीं ना कहीं कई बार खारिज होती ही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और अगर आप उसमें कोई अगर ठोस कार्रवाई चाहते हैं और सही में आप अपने आप को पीड़ित मानते हैं और ठोस कार्रवाई चाहते हैं, इवन कोई मेरे भी इससे अगर कोई पीड़ित है तो मेरा उसको भी यही कहना है, मैंने भी कई आरटीआई आवेदन खारिज किए हैं और सही में उसकी जो आप अगर निराकरण चाहते हैं उसका, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कार्रवाई हो तो उसका एकमात्र इलाज जो है वो हाईकोर्ट ही है, सही इलाज हाईकोर्ट वहां से ऑर्डर करता है कि नहीं ठीक है इसमें जानकारी राजीव होरा जी की सही थी, इनको दी जाए और वो मिल जाएगी। बाकी सब चीजें जो है ना, आप कहीं शिकायत लिखेंगे कहीं कुछ लिखेंगे, आपको मालूम है शिकायत का क्या होता है नहीं होता है। तो सही तरीका वो है कि उसको लीगली ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो उसमें करें। और इस तरह के, क्योंकि इसमें बहुत हमने कुछ ज्यादा ही समय इस पर डाल दिया और ये रोज का मतलब हर सूचना आयोग जो है कुछ निर्णय खारिज करते हैं कुछ पारित करते हैं, आत्मदेव जी के भी कई निर्णय ऐसे होंगे उन्होंने खारिज किए होंगे, अब उसको हम उस पर कितना डिबेट करेंगे। सही तरीका ये है कि अगर सही में आप अपने आप को आप बोलते हैं कि आप इतने आपके इतने केसेस हैं, आप एक्टिविस्ट हैं और सही में आप 10,000 पन्नों की जानकारी लेते हैं, तो सही तरीका यह है कि आप उसमें मिसाल कायम करिए, एक हाईकोर्ट से एक डिसीजन लेकर के आ जाइए और कहिए कि ये गलत है, तो सब लोगों के लिए भी वो मिसाल बनेगी और सब लोगों को उससे फायदा होगा कि देखिए एक एक सभी सूचना आयोगों में भी एक प्रेशर काम करता है। होता है क्या है, अभी तक आप देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उठा लीजिए, हाई कोर्ट के निर्णय उठा लीजिए, अधिकतर निर्णय जो पारित हुए जैसा शैलेश गांधी जी भी कहते हैं वो बहुत डिस्करेजिंग निर्णय हैं, उसके अनुसार तो जानकारी बहुत लिमिटेड कर दी गई है। और अगर इस तरह के डिसीजन आते हैं जहां पर जानकारी देने के निर्णय आ जाए तो मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उससे लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, सूचना आयोगों के ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि नहीं ठीक है हाईकोर्ट वॉच कर रहा है और आप इस तरह के कोई गलत निर्णय नहीं दे सकते हैं, आपको कानून सम्मत निर्णय ही देने होंगे। सर मैं प्रेशर काम करेगा, सर मैं इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इस चर्चा, क्योंकि मेरा सर निवेदन है कि मुझे मार्गदर्शन थोड़ा सा चाहिए था, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, एक ही है हाईकोर्ट तो मेरे प्रकरण को लेकर जा ही रहा हूँ सारे प्रकरण को लेके, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा और किसी आरटीआई सबके साथ होता है। राजवीर जी मेरी कोर्ट में भी मैं कई निर्णय खारिज करता हूँ, नहीं नहीं निर्णय खारिज करना एक निर्णय खारिज मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज है होरा जी, आप अपने इसको लेकर के बोल रहे हैं कि हमारा, मैं कह रहा हूँ आत्मदीप जी ने भी कई निर्णय खारिज किए हैं, शैलेश गांधी जी ने भी कई निर्णय खारिज किए हैं और उसमें जो पार्टी जिनको लगता है कि उनका गलत ढंग से निर्णय खारिज, उनका आदेश गलत पारित हुआ उनके इस केस में, तो उनके पास एक ही मात्र उसमें सही जो उसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं वो है हाईकोर्ट। नहीं मेरे प्रकरण में उन्होंने निर्णय उन्होंने खारिज करा, लेकिन उसके पहले वो जवाब जो है मेरे को वहाँ वन विभाग ने दे दिया, मुझे जानकारी देने के बाद उन्होंने ये कहा वन विभाग को आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए। हम लोग सुन चुके हैं, हम लोग पूरी चीज सुन चुके हैं बार बार उसको सुनने से। ठीक सर, ओके थैंक यू, थैंक यू। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी सर, क्या मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में, वंस अगेन
हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल के रिकॉग्निशन के लिए ये आवश्यक है कि सभी टीचर्स सूटेबली ट्रेंड हो विद मिनिमम क्वालिफिकेशंस। और सर आप उसमें मैंने बताया आपको कि प्राइवेट स्कूल, उस प्राइवेट स्कूल ने अपने उनका साल में एक बार उसका वो रहता है मान्यता संबंधित जो सर्टिफिकेशन होता है वो मांगा जाता है, उसका प्रोसेस है पूरा, उसकी अपील भी होती है उनके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर वो एक जगह एक लेवल पे मिस कर जाते हैं वहाँ उनकी मान्यता खारिज हो जाती है तो वो जो एजुकेशन डायरेक्टरेट लेवल पर अपील भी करते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस है उनका बना हुआ, तो आप वो मान्यता संबंधी जानकारी ले सकते हैं, उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स वो इंक्लोज करते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको आपको। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग था, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स एंड सैलरी पेड ड्यूरिंग द ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, ऐसा आप कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं मांगेंगे जिसमें स्पेसिफिकली, आप बोलेंगे कि जो भी उन्होंने मान्यता संबंधी इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वो सारी नस्ती मुझको दी जाए, पूरी फाइल मांग लीजिए उस स्कूल की, वो आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिकली नाम ये सब पूछेंगे, ये सब पूछेंगे तो वो उलझा देंगे PIO आपको। आप बोलिए कि इन्होंने 2019-20 के मान्यता संबंधित स्कूल के समस्त दस्तावेज जो इन्होंने दिए थे जमा किए हैं उनकी प्रतिलिपि मुझे दी जाए, उसकी कॉपीज मुझे दी जाए। अगर आप एक एक स्कूल का टीचर का नाम पूछेंगे, इस मैथ्स का टीचर कौन है, ये सब मत करिएगा, वहीं उलझ जाएंगे आप। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर बोलिए। हाँ राहुल जी से मेरा सवाल था कि नक्शे के कोई भी दर तय नहीं कर सकते, राजस्थान आवासन मंडल ने दरें तय कर ली, एक सर्कुलर जनरेट कर दिया कि 200 रुपये 400 रुपये 2x2 के नक्शे फोटोकॉपी के 200 रुपये, 2 फुट से ऊपर के 400 रुपये, जबकि सूचना अधिकार कानून आने के बाद में कोई दरें तय करने का नियम ही नहीं है। इसमें आपको आत्मदीप जी ने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है कि नियमों के तहत नियम में क्या प्रावधान है। अगर मैं यही आपसे निवेदन था मेरा कि इसमें उन्होंने 2014 में एक सर्कुलर निकाल के, कार्यालय आदेश निकाल के सूचना अधिकार के तहत ये सूचना के रुपए लिए जाएंगे, मेरा निवेदन था वो दैट इज द रॉन्ग, गलत, मतलब वो ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, मेरा ये सवाल था आपसे। देखिए अगर नियम में उन्होंने बना के रखा हुआ है, नहीं नहीं सर नियम नहीं सर, कार्यालय आदेश सूचना अधिकार के तहत निकाला, सूचना के अधिकार के तहत नहीं निकाल। अच्छा उसमें लिखा हुआ है ना सर, उसमें लिखा हुआ है सर, नीचे लिखा हुआ है हाउसिंग बोर्ड में जनरली मकानों के नक्शे रजिस्ट्रियों के लिए वगैरह सब नक्शे होते हैं सर, कॉलोनियों के। एक मिनट सुरेंद्र जी, इसमें आप ये बताइए कि क्या उनके अलग से भी कुछ नियम है नक्शा देने की? नक्शा देने के लिए अलग नियम नहीं है, कि ये नियम बना दिया उन्होंने, नियम मतलब ऑर्डर कार्यालय आदेश, ये RTI के तहत बना दिया। हाँ RTI के तहत, और ये नक्शा A4 साइज पेपर पे निकलता है? हाँ सर A2 टाइप में या A3 टाइप में, मैंने उसमें एक दो कोर्ट में चैलेंज भी किए हैं सर, जिसमें A2 टाइप के नक्शे का 3 रुपए लगा, उन्होंने 200 रुपए लिया। नहीं ये तो गलत है। और माननीय आयोग में सुनवाई हुई तो मैंने रखा, अभी भी एक प्रकरण में रखा, तो माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को मैंने हाईकोर्ट के आदेश और भी कई जजमेंट वगैरह रखे, मैंने कहा ये दरें तय करने का इनको पावर नहीं है, अगर ये दरें तय करते तो गवर्नमेंट को लिखते और सर्कुलेशन गजट नोटिफिकेशन होता, वो पूरा नियम में इसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा उसका पूरा वो। हाँ सर, हाँ सर, वो बन नहीं सकता ऐसे, क्योंकि कानून के तहत तो आपने 2 रुपए दर तय की हुई है, तो उसमें और लागत मूल्य, हाँ डिपार्टमेंट अपने नियम बना सकता है, जैसे हाईकोर्ट ने अपने नियम बनाए हैं, हाँ वैसे ही लोक प्राधिकारी को ये अधिकार है कि वो नियम बनाएगा, लेकिन नियम ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल ऑफिस ऑर्डर से नियम नहीं बनता है, राइट, उसका राजपत्र में वो निकलेगा, उसके नियम के तहत वो उसमें। थैंक यू सर। एक मेरा और सवाल था छोटा सा कि 6(1) में जो आवेदन लगाते हैं, 7(1) में जो मांग पत्र जारी किया जाता है वो निश्चित समय से पहले की तार, एक पहले ये कोई सवाल खड़ा हुआ था, बैक डेट में आता है, सील लगी हुई होती है, जब हम प्रथम अपील कर देते हैं उसके बाद में वो लेटर मिलता है, माननीय सेकंड अपील में जाते हैं तो वो बताते हैं, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं, और जनरल ये प्रॉब्लम आम आवेदकों को आ रही है, मैंने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन भी दिया है आयोग में कि साहब ये इसका क्लियरिफिकेशन किया जाए,
वो कहते हैं साहब के डिस्पैच कर दिया उससे डेट गिनी जाएगी। तो हमने कहा हमारे पैसे कहाँ आए, हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कितने पैसे भरने हैं। ये एक बहुत जटिल प्रश्न है। डिस्पैच देखिए कानून ये अगर आरटीआई से भी अलग आप अलग बात करें तो कानून में ये बहुत स्पष्ट है कि जिस तारीख को क्या कहते हैं जब ये लेटर जारी होता है तो ये उसी से मिलेगा, जिस दिन जिस तारीख को लेटर मिलेगा उसी को मान्य किया जाएगा। और ये इस मामले में जनरली ज्यादातर फैसले अगेंस्ट में हो रहे हैं जनता के, वो सुनने का प्रश्न ही नहीं करते, वो ये सीधा लिखते हैं डेट ऑफ इतनी तारीख को मिला, इसके बाद में वो ये सूचना आयोग का भी है, राजस्थान सूचना आयोग के भी संबंधित है और उन्होंने भी ऐसे ही करते हैं, वो पत्र डिस्पैच किया वो डेट बताते थे इतनी तारीख को हमने डिस्पैच किया जवाब में, वो नहीं बताते कि इनको कब मिला, हम लिखते हैं कि हमारे को इतनी तारीख को मिला, वो प्रूफ पेश करते हैं, अगर रजिस्टर्ड मिला है तो उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद में भी वो निर्णय गलत होते हैं। सर आप नदीप सर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हेलो सुरेंद्र भाई, आपने जो पहले मुद्दा उठाया उसके बारे में धारा 7 की उपधारा 5 में एक प्रावधान है, हाउसिंग बोर्ड के नक्शे से संबंधित जो मामला आपने उठाया, वो प्रावधान ये है कि जहां तक सूचना मेरा एक कहना था किसी मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जाएगी, मुद्रित जो आपने नक्शा मांगा वो मुद्रित है उपलब्ध कराई जाएगी, वहां आवेदक ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए, ये धारा 7-5 में है। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे आपने हाउसिंग बोर्ड का उदाहरण दिया कि उन्होंने बहुत ज्यादा अयुक्ति शुल्क निर्धारित कर दिया छोटे नक्शे का, ऐसे ही मध्य प्रदेश का अनुभव है, परिवहन विभाग ने अपने डॉक्यूमेंट्स का जो वाहनों से संबंधित होते हैं उनकी बहुत ज्यादा फीस तय कर रखी थी, वो गाड़ी मालिकों के लिए तो ठीक हो सकती थी लेकिन आरटीआई आवेदकों के लिए वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी, और वही फीस ये परिवहन विभाग मांग रहा था, तो उसकी एक अपील हमारे पास आई, तो हमने उस शुल्क को सूचना के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में यह कहते हुए कि सूचना का अधिकार कानून बाकी सभी कानूनों को ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है, उस शुल्क को अयुक्त घोषित किया और उनसे न्यायोचित दर निर्धारित करके लेने को कहा, और वो परिवहन विभाग ने माना, उस दर को घटाया आरटीआई के मामले में, गाड़ी मालिकों के लिए वही शुल्क रखा लेकिन आरटीआई के मामले में घटाया, ये रिलीफ मिल सकती है। दूसरा आपने जो कहा ये डाक से लेट मिलने वाला बात, इसमें कोर्ट के भी निर्णय है कि हाँ सर लोक सूचना अधिकारी ने या अपीलीय अधिकारी ने जिस तारीख को डिस्पैच कर दिया, अब वो प्राप्तकर्ता को देरी से मिलता है तो डाक विभाग की इस देरी के लिए वो अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है जिसने पत्र भेजा, ये भी एक कानूनी पहलू है, कोर्ट का आदेश इस देरी के लिए डाक की जो भी देरी उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हां ऐसी कंडीशन लगाए बैकडेट में किया तो फिर नहीं, तो ऐसे केस में फिर वो आवेदक कहां जाएगा, लोकल डाक में पोस्ट करते हैं 15 दिन से मिलता है, सील लगी हुई होती है उस पे, उस कंडीशन में वो आवेदक कहां जाएगा, आवेदक ये आम समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसमें शिकायत करना चाहिए, केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देश है कि सूचना के अधिकार के तहत सारी कार्रवाई लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी और सबको पंजीकृत डाक से करना चाहिए, ये आदेश में शैलेश भाई बताएंगे अभी स्पष्ट, आदेश तो उसकी कॉपी का नंबर वगैरह कोई मिल सकता है क्या सर, शैलेश भाई जी बता सकते हैं, हमने पढ़ा है केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि साधारण डाक से तो ये हो सकता है कि मिले ही ना आपको, देरी तो छोड़िए जब डिस्पैच कर दिया है उसी से डेट गिनी जाएगी, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सी है, आम जनता के लिए कॉम्प्लेक्सी है, इसका सॉल्यूशन मैंने अभी लिख के भी दिया है कोई पॉइंट मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को, ऐसी समस्या है जो आम लोगों को सार्वजनिक रूप से सही हो जाए तो उससे कम होंगे केसेस, छोटे मोटे केसेस जो हो रहे हैं तो इनकी छोटी छोटी चीजों के लिए हो रहे हैं सर, ये आप लोगों से या नित्यानंद जी से शिवानंद जी वगैरह से गाइडलाइंस मिल रही है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने, सब धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, और मैं भी नहीं बिल्कुल सुरेंद्र जी इस विषय में हमें लगता है कि हम लोग शुरू में आज जब 2-4 वेबिनार हमारे हुए थे तब इसमें डिस्कशन हो चुका है और ये बात बहुत ही स्पष्ट हो चुकी थी तभी कि जिस दिन हम कोई आवेदन जैसे हम ही आवेदन करते हैं तो हमने आज स्पीड पोस्ट से भेजा है लोक सूचना अधिकारी को, तो लोक सूचना अधिकारी को वो जिस दिन मिलेगा उस दिन से हमारे आवेदन की डेट प्रारंभ हो जाएगी और उसका जवाब जिस दिन हमारे पास आ जाएगा, हम जिस दिन रिसीव किए हैं पोस्टमैन से उस दिन से उसकी डेट प्रारंभ होती है, तो बहुत ही क्लियर हो चुका है पहले भी, और इस विषय में ऑर्डर जैसा आदमी सर ने बताया
गांधी सर ने इसके बारे में कुछ ऑर्डर भी दिए हुए थे, वो अपन कभी बात करके भी शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शंशेर कुमार कोल कुछ पूछना चाह रहे थे बड़ी देर से, आप अपनी बात रखिए। गौरव जी थोड़ा सा आप होल्ड करिए, आपने दो प्रश्न पूछे। दोबारा से रिपीट कर दीजिए, दैट्स ऑल। अभी जो आपने 4-5 सेंटेंस बोले, दैट्स ऑल, उसको रिपीट कर दीजिए, थैंक यू। क्या क्या बोले थे हम? अभी जो आपने बोला था सुरेंद्र जी के संबंध में कि ये बहुत क्लियर हो चुका है, नहीं नहीं, वो क्लियर ये है कि हमने कोई आरटीआई आवेदन लगाया तो हम हाथों हाथ ना दे करके, पावती ना लेकर यदि हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट हमारा जिस दिन किसी लोक सूचना अधिकारी को मिलेगा जहां भी हमने आरटीआई लगाया है, वो दिन से हमारा डेट प्रारंभ हो जाएगा कि हमारा ये पहला दिन है और पहले दिन से 30 दिन के अंदर उनको उसका जवाब देना है। अब वो 30 दिन के अंदर जवाब जब वो भेजते हैं, यदि वो हमें स्पीड पोस्ट से उन्होंने हमें भेजा, तो जिस दिन हमें स्पीड पोस्ट उनका मिलेगा उस दिन को हम मान्य करेंगे कि इनका 30 डेज पूरा हुआ है, 25 डेज हुआ है या 35 डेज हुआ है, वो उस दिन से काउंट होगा उनका कुल मिलाकर के। तो मतलब जब हैंड ओवर होता है, जब मिलता है, वो तब डेट मानी जाएगी। हाँ नित्यानंद जी, मेरा ये सवाल था, आपने कहा 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का नियम है। हाँ बिल्कुल, यथासंभव शीघ्र, इससे पहले भी आवश्यक नहीं है कि 30 दिन, स्पष्ट रूप से हमारा साथ में लिखा हुआ है 7-1 में, जितना जल्दी संभव हो। 30 दिन तो वो है कि भैया जानकारी उनके पास सही नहीं, या कहीं ऐसी फंसी हुई है, कहीं दबी हुई है, बहुत पुरानी जानकारी है, ढूंढने में टाइम लग रहा है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन यथासंभव शीघ्रता से जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी वो उपलब्ध करवाए। हमारे बीच में शंशेर कुमार, आप एक थोड़ा सा क्लियर करिए, इसमें क्लियर करिए, 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का नियम है क्या पत्र देने का? जबकि 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का नियम है, 25वें दिन में पत्र मिला मेरे को और मैंने पत्र का मतलब ये हुआ कि पत्र में वो हमें कोई सूचना भेजेंगे, या कि वो ये सूचना भेजेंगे कि आपने जो जानकारी चाही वो जानकारी हमारे पास है ही नहीं, अथवा वो ये जानकारी भेजेंगे कि ये जानकारी आपने चाही है, इसको प्राप्त करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो ये जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो वही एक सूचना, मतलब 30 दिन के अंदर हमें सूचना मिल जानी चाहिए कि वो हमारे आवेदन को गंभीरता से लिए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं, मतलब हमें इस बात से मतलब आगाह रहे। अभी भी कंफ्यूजिंग है ये कि मेरा निवेदन था कि 30 दिन मेरे को लेटर 25वें दिन मिला, मैंने 10 दिन और लगा दिए पैसे जमा कराने में, 10, 30+10, 40 दिन हो गए, तो मेरे को 40 दिन से बाद में मिलती है तो मेरे को उसके पैसे रिफंड होने चाहिए? नहीं नहीं, यदि हमें जानकारी मिल गई है 25वें दिन और हम पैसा जमा करने में लगा रहे हैं स्वयं 15 दिन का समय लगा रहे हैं, तो हमारी गलती कह रहा है कि हम गलती, हम काउंट कर रहे हैं ना सर, वो 30+15 45 डेज और वो 45 डेज के बाद में मिलती है सर, तो उसका मैं पूछ रहा था आपको, क्लियर भाई? नहीं, वो रिफंड नहीं होगा। क्यों सर? सूचना उन्होंने मुझे 30 दिन के अंदर दे दी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, हमारे कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि हम वो जानकारी अगले एक महीने बाद ले लें उनसे, कि अगले ही दिन जाकर के ले लें, या हम 30वें दिन ही ले लें। मेरा सवाल इस वक्त थोड़ा सा अपन कंफ्यूजिंग है, मेरा सवाल ये था, मान लो मेरे को 25वें दिन में पैसे की मांग मिल गया, मैंने उसी दिन पैसे जमा करा दिए, 5 दिन बाद में उनको पत्र मिला मेरा, तो टोटल 35 दिन हो गए, 35 डेज में पीआईओ को, सर आप ऐसे पीआईओ को सूचना उपलब्ध करानी होगी। आप सर गलत समझ रहे हो, आलोक कुमार सिंह जी आपको बताने इसका, आप जरा कॉज ऑफ एक्शन देखो कब से स्टार्ट हो रहा है। कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो रहा है जिस दिन से हमको वो पत्र प्राप्त हुआ। अब कॉज ऑफ एक्शन में जिस दिन से हमें वो पत्र प्राप्त हुआ, अगर हमने उसका जवाब 30 दिवस के अंदर दे दिया कि आपको यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, या ये सूचना इतने पंद्रों में इतने पेज में संधारित है, इसके लिए आप इतना शुल्क जमा करें, तो ये पत्र जब दोबारा से आपको प्राप्त हुआ तो फिर से आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा, वो 30 दिवस लगेगा। आप सूचना के अधिकार को वैसे समझिए कि लागू किस रूप में हो रहा है। अगर उन्होंने सूचना का आवेदन आपने भेजा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो जिस दिन से आपका पोस्ट उनको प्राप्त हुआ उस दिन से 30 दिवस, अगर उसमें उन्होंने आपको जवाब उपलब्ध करा दिया तो जिस दिन से उन्होंने जवाब उपलब्ध कराया उस दिन से 30 दिवस। ये आप कंफ्यूज मत होइए
कि कॉज ऑफ एक्शन आपने आपका एराइज तब से हो रहा है जब से आपने उनको डिलीवर्ड किया, या आपका सोचना गलत है। कॉज ऑफ एक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है जिस दिन से वो पत्राचार में या तो जवाब देना चालू हुआ या जवाब नहीं दिया गया। जवाब नहीं दिया गया वाली स्थिति में जब पोस्ट उनको डिलीवर्ड हुई तब से मान लिया जाएगा, और जवाब देने वाली स्थिति में जिस दिन से उन्होंने शुल्क की मांग की या कुछ भी उन्होंने कहा, तो वहां से 30 दिवस होंगे। जैसे गौरव, अब दूसरी बात रही, बात अभी एक चर्चा हो रही थी, एक मिनट आलोक जी होल्ड करिए, राहुल सिंह सर कुछ बोलना चाह रहे थे। गौरव जी ने ये विषय उठाया था कि लोक सूचना अधिकारी ने उनको पत्र पूर्व की तारीख में लिखा था और पत्र बाद में मिला 2 महीने बाद, तो क्या माना जाएगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन माना जाएगा, नहीं तो अगर आप उसको रिवर्स करके देखिए तो ऐसे में तो आप अपना एक आवेदन बना ले घर पे आरटीआई का, और उसको आप लिख दें आप आज की तारीख में बनाए उसको 3 महीने बाद डिलीवर करें, तो आप क्या ये माना जाएगा कि वो आज से लेकर के उल्लंघन हो गया 30 दिन का। नहीं, जिस दिन उसको मिलेगा लोक सूचना अधिकारी को उसी दिन से उस काउंटिंग शुरू होगी। आपका सारा मामला बिल्कुल क्लियर है। हमारे राजस्थान में सूचना आयोगों की स्थिति थोड़ी विपरीत है एकदम, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन खड़े किए थे मैंने, और आम जनता को तकलीफें हो रही है इसलिए मैं सुरेंद्र जी एक बात क्लियर है कि हर इंडिविजुअल सूचना आयुक्त कैसे डील कर रहा है वो एक अलग है। इस संबंध में हमारे साथ इंदौर में भी ऐसा हुआ है कि दो पैसा जमा करने के बाद 2-2 साल में जानकारी नहीं दी गई, और जब वो अपील की गई तो अपील ये कहकर के खारिज कर दिया गया राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा कि आप देर से आए, और पैसा वापस नहीं हुआ। ऐसे 3 केस हुए, मैंने धारा 18 में उनको शिकायत करी, उन्होंने कहा प्रथम अपील में जाइए। मैंने उनमें मांग करी थी कि पैसा जमा करने के बाद ये क्या करते हैं, पहले 25वें दिन 27वें दिन आपको पत्र देते हैं कि पैसा जमा करो, हमने उसी दिन पैसा जमा कर दिया। उसके बाद 3-3 महीने तक जानकारी नहीं आती, किसी में 6 महीने तक जानकारी नहीं आई, किसी में साल भर तक जानकारी नहीं। पैसा तो आपने जमा कर दिया, वो ये कहते हैं कि हम तो दे रहे हैं जानकारी, आपको दे देंगे जानकारी। नहीं, वो गलत है, उसकी धारा 18 के तहत शिकायत की जानी चाहिए और आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आयोग का तो कहना, आयोग का तो सीधा कहना आयोग को जाइए। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया ना, आप राजवीर सिंह जी आपने बात कही है वो, तो अपन भाई यही तो कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब हर कोई हर किस्म का कैसे, नियम कायदे अपने अलग हैं, लेकिन कौन उसको मान रहा है। ऐसा है कि सीओर में मैंने पैसा जमा करा 13-10 को पैसा जमा करा, और आज तारीख तक अभी तक मुझे जानकारी नहीं मिली। 13-10 को मैंने पैसा जमा करा 1364 रुपए, मैंने उस पूरी एग्रीड, हम पूरी तरह से आपसे। संशेर कुमार कोल अपने प्रश्न पूरा करें, कई बार आपने अपना रेज किया है, वॉइस रेज किया हुआ है, और अपने को अनम्यूट कर लें। संशेर कुमार कोल, हेलो, क्या संशेर कुमार कोल सुन पा रहे हैं? आप कुछ कागज समेट रहे हैं? चलिए, आप प्रश्न अब आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अब कोई प्रश्न है तो, क्योंकि अपना 1:30 बज रहा है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एक मेरा रिक्वेस्ट था। हाँ, गांधी जी। हाँ सर। हाँ, एम गांधी जी। हाँ, एम गांधी जी बोलिए। सर मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। मैंने एक आयोग में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने, मैंने जो लोग इंटरव्यू में पास हो गए थे, तो मैंने उनका डॉक्यूमेंट्स मांगा और इंटरव्यू का नंबर मांगा, तो उन्होंने धारा 11(1) के तहत ये थर्ड पार्टी की सूचना बता करके नहीं दिया। और उन्होंने जब दूसरी बार में प्रथम अपील किया तो उन्होंने थर्ड पार्टी को जो लेटर भेजा था वो दिखाया उन्होंने, लेकिन अब वो लेटर 30 दिन के बाद भी जो थर्ड पार्टी नहीं दी, तो क्या जन सूचना अधिकारी हमको सूचना उपलब्ध कराएंगे या फिर हमको सेकेंड अपील करनी पड़ेगी? उसमें गांधी जी, उसमें ऐसा है कि अगर उन्होंने उसमें टाइम दिया जाता है उसके, और वो विद इन टाइम लिमिट जो है इनको थर्ड पार्टी को बताना होता है, मौखिक रूप से भी बता सकते हैं और या फिर वो लिखित में बता सकते हैं, लेकिन इसमें जो नियम प्रावधान है कि वो लिखित में ऑब्जेक्शन जो है PIU की तरफ से वो लिखित में जाता है। जी जी। बाद फिर PIU डिसीजन लेंगे, चाहे वो हाँ या बोले या ना बोले। थर्ड पार्टी अगर मान लीजिए मना कर देते कि हमारी इन्फॉर्मेशन ही दिया है, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन लेने का काम PIU को होता है। अच्छा। PIU को इवैल्यूएट करना है कि ये धारा 81J इसमें लग रही है या नहीं लग रही है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। और उसके तहत अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है
तो भी पीआईओ को डिसीजन लेना है, पीआईओ को डिसीजन लेना है, पीआईओ को तो डिसीजन लेना ही लेना है, उसके बाद आपको जानकारी उपलब्ध करानी है। अगर जैसा भी है, अगर वो पीआईओ भी चाहे तो वो बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और उनको लगता है कि इसमें थर्ड पार्टी का वायलेशन हो रहा है। अच्छा सर, वो ठीक है, वो बोल देंगे, लेकिन क्या ऐसा उसमें कोई ऐसी दिक्कत संवेदनशील तो है नहीं? अब वो लोग लोग वो आप जब आप प्रथम अपील में जाएंगे तो आप उसको उस प्रथम अपील अधिकारी के सामने रखेंगे अपनी बात और उसमें कहेंगे कि क्या चीज संवेदनशील है। अगर वो चीज अगर बहुत ज्यादा वैसी लग रही है जिसमें फोन नंबर या कोई चीज से कोई चीज आ रहा है। नहीं नहीं सर, उनके मेरे उनके जैसे वो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, शैक्षिक योग्यता लगा रखे हैं, उनको जो इंटरव्यू में नंबर दिए गए यही पूछना है और कुछ मुझे नहीं उनसे लेना। उसमें क्या दिक्कत है, वो दे देना चाहिए। जी 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 सर, थैंक यू सर। और अगर अगर आपको अगर कोई ऐसी चीज जहां आपको लग रहा है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो एक छोटी चीज के लिए रुक रहा है, छोटी सी जानकारी के लिए, तो आप हमेशा उसमें उनको कह सकते हैं सेक्शन 10 जो है वो सिविलिटी क्लॉज है, प्रतिकरण, उसमें आप बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप छुपा लीजिए लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए। ओके सर, ओके, मुझे 10 ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और राहुल जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है सार्वजनिक पदों पे यानी लोक सेवकों के पदों पे चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत आशंका का निवारण करना, आशंका का। इस दृष्टि से चयन परीक्षा, एकेडमिक परीक्षा और चयन परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक किए जाने योग्य है और इसी इस बारे में न्यायालय के भी निर्णय कि किस आधार पर किसका चयन किया गया वो दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने योग्य। अब आपको संदेह है कि आपको साक्षात्कार में कम नंबर दिए गए, दूसरों को ज्यादा दिए गए, जिसको आप आगे चैलेंज करना चाहते हैं तो किसको कितने अंक दिए, ये इसको छिपाने की कोई बात ही नहीं है। आपके तर्क सही है, इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है, सार्वजनिक किए जाने योग्य। और इसी को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग तो और कुछ राज्यों के लोक सेवा आयोग भी चयन परीक्षा के सारे स्तरों के सारे रिजल्ट आवेदकों के नाम सहित अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हैं कि इसको रिटर्न में इतने इतने अंक आए और उस आधार पर चयन किया गया है, इंटरव्यू में इतने अंक मिले, तो ये जानकारी बिल्कुल स्पष्ट मिलने योग्य है आपको। ओके सर, ओके ओके। तीसरा पक्ष असहमति जता देता है उसके बावजूद देने योग्य। ओके ओके सर, थैंक यू। हां, ये सुरेश प्रसाद जी क्या पूछना चाह रहे थे? सुरेश जी सर, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था सर, ये जो 1996 का पत्र का हवाला दिए हैं तो सर ये आरटीआई कानून तो सर 2005 में हुआ है। कौन सा 1995 का पत्र का हवाला? ये सर प्रारूप 4 का जो ये पंचायत सरपंच का ये जो आय व्यय वो जो जमा करते हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जानकारी हम 100 साल पुरानी भी मांग सकते हैं यदि वो जानकारी है उपलब्ध है तो। ऐसा नहीं कि 2005 से आरटीआई कानून आया तो सिर्फ हमें जानकारी 2005 से ही प्रारंभ होकर के मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं है। जानकारी 100 साल पुरानी भी हम मांग सकते हैं यदि वो जानकारी उपलब्ध है, यदि नष्ट नहीं हुई है वो, चाहे जो भी वो दे, ठीक है ना। चलिए अभी अभी और कोई प्रश्न जी? हाँ, क्या बिमलेश गैलेक्सी जी? सर हमने एक पूछना चाह रहे थे आप जी, एक जानकारी मांगी थी छात्रावास से, तो सर लोक सूचना अधिकारी वहां से लेने से इनकार कर दिए, तो सर प्रथम अपील हम अब कहां कर सकते हैं? कहां का मामला है, कहां से हैं आप? हनुमाना जनपद चरैया ग्राम पंचायत का। हनुमाना जनपद रीवा? हाँ, रीवा से आप है, हनुमाना जनपद, छात्रावास से संबंधित जानकारी। छात्रावास कौन सा चला है जी? छात्रावास कौन संचालित कर रहा है? छात्रावास ये किस प्रकार का छात्रावास है? वो अनुसूचित जनजाति का है। हाँ हाँ, तो वो आप अनुसूचित जाति जनजात कल्याण बोर्ड का एक विभाग होता है, आदिम जात कल्याण इस तरह से कुछ होता है, हमारे कलेक्ट्रेट कार्यालय में है, वहां से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे ख्याल से, और वहीं पे इसके प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी पता चलेगा। और यदि एक बहुत ही क्लियर फंडा है जी, जिला संयोग। हाँ हाँ जी, जिला संयोग जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे सर ने बताया। और दूसरी बात एक और है,
यदि कोई व्यक्ति आपका आरटीआई नहीं लेता है तो आप धारा 18 के तहत सीधे आयोग में शिकायत कर सकते हैं। तो आप धारा 18 के तहत एक कॉपी भेज दीजिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने आरटीआई आवेदन लेने से इनकार किया है, तो आप उनकी वीडियो बना लें, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। ये लोग आप हमेशा ध्यान रखा करिए, जब भी आप आरटीआई आवेदन किसी को देने जाएं, पहली बात तो प्रयास ये करिए कि आप स्पीड पोस्ट से भेजिए। यदि स्पीड पोस्ट से नहीं भेज सकते हैं, यदि आप किसी को आवेदन देने जाते हैं जो आपका अधिकार है, हाँ, क्या आपने स्पीड पोस्ट से भेजा था? पहले मैंने आवेदन लेके गया था वहाँ कार्यालय में, तो वो लेने से इनकार कर दिए। फिर मैंने बाई पोस्ट किया था यहाँ से, तो पोस्टमैन को मतलब उसमें लिख के दिया है अभी कि लेने से इनकार कर दिए लोग। ठीक है, समझ गए, उनको पता है कि आप उनसे क्या पूछना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आप वो पूरा लेटर का एक खोल, पहले तो उसको खोल लीजिए, खोल के कॉपी उसकी करवा लीजिए और एक कॉपी उसके प्रथम अपील अधिकारी को आप भेज सकते हैं प्रथम अपील के साथ में, ठीक है। और एक धारा 18 की शिकायत ओरिजिनल फॉर्म में, पूरा ऊपर का कवर लेटर जो है, मतलब कवर अंदर का मटेरियल प्लस पोस्ट का जो ऊपर का कवर है, वो सब आप धारा 18 की एक शिकायत बना करके राज्य सूचना आयोग में आप भेजिए और इस तरह से बताइए कि हमने पहले इनको हाथों हाथ देने का प्रयास किया, वो इन्होंने नहीं लिया, जब हमने स्पीड पोस्ट से भेजा तो वो रिटर्न कर दिया, तो इस पर तो उनके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। और यदि आपको लोक सूचना अधिकारी का, कई बार ऐसे होता है कि लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता नहीं बताते, उनका नाम नहीं बताते हैं, वो 782-783 का उल्लंघन माना जाता है। उसमें उस स्थिति में आप जब प्रथम अपीलीय अधिकार आपने पीआईओ को दे दिया है, मतलब भेज दिया स्पीड पोस्ट से या हाथों हाथ दे दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इनका प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, तो ये बात सामने आई है और कई बार ये डिस्कशन में भी आया है कि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी केआरएफ लोक सूचना अधिकारी संबंधित जो आपका वो है, मतलब जहाँ कार्यालय है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का जो छात्रावास है, वहां पर आप इस तरह से भेज सकते हैं उनको सीधे, उदाहरण के लिए, बाकी कोई भी कार्यालय में लागू होता है। तो इस तरह से तो मतलब प्रथम अपीली अधिकारी केआरएफ लोक सूचना अधिकारी और उस कार्यालय का नाम जहाँ पर आपने आवेदन दिया हुआ है, क्योंकि ये उनकी गलती मानी जाएगी कि उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया हुआ है और प्रथम अपीली अधिकारी का नाम नहीं बताया हुआ है, तो वो आपकी वैलिड होगी। जब आयोग में वो बात जाएगी, आयोग उस पर एक्शन लेगा उनके विरुद्ध। हमें लगता है कि ये अभी आपका डाउट क्लियर हो गया। और हमारे बीच में एक आध और कोई प्रश्न था, ये संशेर कुमार कोल पूछना चाह रहे थे, लेकिन ये बहुत सारा कागज तो दिखा रहे हैं, बहुत सारा स्पीड पोस्ट ये बना रहे हैं, इनके उसमें दिख रहा है, लेकिन ये स्वयं वहाँ पे है नहीं लगता है, ये बहुत व्यस्त है अपने कागजों में। चलिए ठीक है, अब हमें लगता है आदमदीप सर ये हमें अब यहाँ पे क्लोज करना चाहिए, हमारा लोगों को काफी डिस्कशन हो गया है। जी सर, एक धन्यवाद बनता है श्री जोधपुर के श्री सुरेंद्र जैन का, एक धन्यवाद बनता है आज के वेबिनार में उन्होंने आरटीआई के संबंध में संदर्भ में शिवानंद जी को बहुत अच्छा नाम दिया है, विद्यानंद जी। नित्यानंद जी का हमेशा आभार जी है, आप लोगों का सहयोग से इतने लोगों से मिलना होता है और इतनी जानकारियां मिलती है। मैं पिछले लंबे समय से कर रहा हूं नित्यानंद जी, और काफी कोर्ट में भी गया हूं मैं, आपने पहले भी बताया था, और मैं पीएल वगैरह लेके जाता हूं। वो मेरा बहुत बड़ा रुझान है, आपकी जैसे मिला हुआ हूँ मैं, और इन्होंने बहुत सहयोग कर रहे हैं आप लोग, तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आम जनता को, आम आवेदकों को जानकारी सही मुहैया हो, उनको ऐसा है, अगर कोई सरपंच जिसने 10-20-50 लाख नहीं कमाया, वो किसी काम का सरपंच जो जो भोले वाले लोग हैं उनके नाम पे मस्टर रोल भर करके, और आजकल कियोस्क चल गया तो वो अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा लगाकर राशि निकाल लेते हैं, तो आम लोगों को भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित कर लिया है ये ग्राम पंचायत का, ऐसा हाल है, ये मेरा कहना है।
बहुत ही आप लोगों ने अच्छा डिस्कशन आपने इसमें और हमें लगता है कि हमारा बीच में नेटवर्क भी खराब हो गया था, इसकी वजह से मैं वापस आया हूं। तो मुझे लगता है आदमदीप सर अब ये डिस्कशन हम लोगों के यहां पे क्लोज करना चाहिए। नेटवर्क का एक इशू बराबर बना हुआ है और विभाग को और सबसे बढ़कर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो ये पंचायतों के चुनाव कंडक्ट कर रहा था, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल, उनको पत्र लिखकर मांग करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदमजीत सर, आपने बढ़िया मार्गदर्शन किया हम सबका। और हमारे बीच में राहुल सिंह सर रहे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने लीव किया और अच्छा खासा डिस्कशन चला। गांधी सर हमेशा ही अपना समय, महत्वपूर्ण समय दे आए हैं। आप सभी का धन्यवाद। विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हमारे जो भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सुरेंद्र जैन जी जो पिछले कई बार हमारे बीच में उपलब्ध हो पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे को ऑर्गेनाइजर इस कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंद जी हमारे साथी अधिवक्ता और कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर, शिवेंद्र मिश्रा जी और अन्य जो भी हमारे बहुत सारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले संडे को हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, मेरा एक और निवेदन था सर, इसी में जोड़ना चाह रहा था कि जैसे अपने धारा 4 का और 19 का लेटर बना के जो किया है अभी सेलेन सर ने, तो सर अपने ग्रुप से भी ऐसा बन जाए और सभी लोग मुख्य सूचना आयुक्त को और निर्वाचन आयोग को ऐसा लेटर अगर आपके माध्यम, वरिष्ठ जनों के माध्यम से मिले तो सभी लोग अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा श्रीमान, मेरा आग्रह और निवेदन था। नहीं बिल्कुल, ग्रुप में जुड़े हुए हमारे जो भी साथी हैं वो अपना शेयर करेंगे, उसका फॉर्मेट एक जनरल फॉर्मेट आप लोग शेयर करेंगे और उसको फिर सभी लोग अपने अपने स्तर से उसको फॉरवर्ड करेंगे अपना, अपने अपने संबंधित सूचना आयोग में। बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। जी जी शिवानंदी सर नमस्ते, मैं क्या है कि हमारे थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए सुविधा नहीं है, इसलिए लेट जुड़ूं। आप तो इतना लेट जुड़े, हम लोग तो इसको कार्यक्रम को खत्म करना चाह रहे थे, तो आपका भी चलिए पूछिए अपना प्रश्न। आप, मैं ये कह रहा था मैं भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 की धारा 76 में मैंने आवेदन किया था, तो उसको बीडीओ ने 6-3 में सूचना के अधिकार के तहत ग्राम सेवक को ट्रांसफर कर दिया, अब उसका क्या होगा? हालांकि मैंने उसको नोटिस भिजवा दिया है, अब मेरे को मार्गदर्शन चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में ज्यादा जानकारी, हाँ अगले इसको मीटिंग के लिए ले लेंगे। आत्मदीप सर का भी बिल्कुल कहना सही है, आप अपना प्रश्न रखिए नरेंद्र जी, ठीक है, अगले संडे को अपन इसको रेज करेंगे। तो ठीक है, इस कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत और सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से माननीय शिवानंद जी को, विनोद जी अग्रवाल को और आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद, अच्छा आयोजन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे हमारे लिए आप माननीय नन्ना लगाया करिए, मैं गांधी जी सर का एक रिपीट कर रहा हूं। गांधी जी का कहना है था कि सिर्फ उन्हीं के लिए माननीय क्यों, सभी माननीय है, इसलिए आप भी माननीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी यहाँ पे साथी माननीय है, हमारे सभी माननीय साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में बड़प्पन रहता है उनके लिए, उन सभी के लिए माननीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जो अपने लिए सम्माननीय। तो आप सभी वरिष्ठ लोग जो श्रीमान, जो भी जितने भी श्रोतागण है या जो वक्ता भी है सर, वो सभी माननीय सर सभी को हृदय से प्रणाम, क्योंकि आपने एक अलग जगह ये देश में उसके लिए भी, मतलब जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो छुपे बैठे छोटे से गांव में, अपनी कहता हूँ मैंने 40-50 वेबिनार में आया तो मुझे लगा ही नहीं कि कब, मतलब देश के विभिन्न महानुभाव जो वरिष्ठ है वो भी एक छोटा सा प्रश्न रखते है और बड़ा सा उत्तर देते हैं और सभी को साथ लेके उंगली पर जैसे बच्चे को चलाते ऐसे आपकी छत्रछाया में हम लोग चल रहे हैं। और लगता मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका सभी का अगर सहयोग रहेगा तो भ्रष्टाचार मिटाने में हमारा नाम उन योद्धाओं में लिखा जाएगा कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये भाषण देने बिल्कुल बिल्कुल जयपाल सिंह जी, आप सब योद्धा ही हैं, आप सब योद्धा हैं और आप सभी को, हाँ सभी योद्धाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आप सब इसी तरह से जुड़े रहे, बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सेनापति,
मतलब बलि का बकरा आप लोग हमें ही बनाना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको दो किताबें मिली हैं बलि का बकरा, स्वामी विद्यानंद जी का और एक देना है आपके, आपको आदेश करो, आदेश करो आपको। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे खुशी है सेनापति बनने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम आप सबके लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। और अच्छा है, थोड़ा मनोविनोद भी होना चाहिए मुझे कोई नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत आवश्यक है वो, और हम इसी तरह से मिल करके काम करते रहेंगे। कोई यहाँ पे ना बड़ा है ना सेनापति है ना कोई है, सब हम बराबर हैं और सब एक्टिविस्ट हैं और सब हम मिल करके काम कर रहे हैं, और हमारी सबकी जो कंबाइंड पावर है, हमारी कंबाइंड शक्ति है, हर स्टेट से ये और बढ़ती जानी चाहिए। हमारा आप लोगों से बार बार यही आग्रह है, इसको आप लोग एक्सपेंड करिए अपने साथियों के बीच में, अपने अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में, तहसील स्तर पर और लोकल स्तर पर इस चीजों को आगे बढ़ाइए और उनको जोड़िए इससे, और इसको जितना आगे बढ़ेगा, ये क्रांति है, एक आंदोलन है, आंदोलन कभी बंद नहीं होता है, एक क्रांति है। आरटीआई एक्ट एक सिर्फ किताबों में लिखी हुई कोई मतलब एक वो नहीं है कि एक सीमित है, ये एक क्रांति की तरह, एक आंदोलन की तरह है और ये कभी बंद नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी अग्रवाल ने आपका नया विशेषण वाला नाम एंडोर्स कर दिया है, आप टेक्स्ट में पढ़िएगा सेनापति विद्यानंद। एक सेकंड मैं देख नहीं पाया हूँ। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी शब्द आप लोग देंगे वो मुझे हृदय स्वीकार्य है और आप सभी की सेवा में। ये बड़प्पन है आपका, आप सभी लोगों का बड़प्पन है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।